बंदरों तथा जंगली सुअरों के आतंक से परेशान किसानों ने निजात दिलाने तथा मुआवजे की मांग की है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री बालकृष्ण के नेतृत्व में किसानों ने उपजिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। प्रदेश महामंत्री ने कहा कि महामारी के दौरान हजारों लोग घर वापस आए हैं। सरकार उनसे खेती करने का आग्रह कर रही है, लेकिन बंदरों व जंगली सुअर किसानों की मेहनत पर पानी फिर रहे हैं। किसानों ने बंदरों के आतंक से निजात दिलाने तथा मुआवजा देने की मांग की है। देखिए, आज इतनी बड़ी महामारी आई है, पर्वतीय क्षेत्र के जो किसान हैं उनकी फसल बंदरों ने और सुअरों ने तबाह कर दी है। ये लोग आज इतना परेशान है, ग्रामीण अंचल के लोग जो हमारे किसान भाई हैं, 2 महीने 3 महीने 6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के लिए उनकी फसल होती थी, वो फसल भी आज नष्ट हो चुकी है। बंदरों ने नष्ट कर दी है, सुअरों ने नष्ट कर दी है, और टाइम पर बारिश न होने के कारण वैसे भी फसल नहीं हुई थी। आज ये महामारी आज लॉकडाउन कर दिया है सरकार ने, लेकिन इन किसानों के बारे में कोई सुध नहीं ले रही है। इसलिए हमारे सरकार से ये गुजारिश है कि इनको कम से कम 15,000 रुपया पर माह के हिसाब से इन्हें मुआवजा दिया जाए। देखिए, आज हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को हमने SDM उपजिलाधिकारी बागेश्वर के माध्यम से हमने ज्ञापन प्रेषित किया है श्री बालकृष्ण जी के नेतृत्व में। देखिए, आज पूरा पर्वतीय क्षेत्र जितना भी उत्तराखंड का पर्वतीय जो हमारा किसान है, आप बंदरों और सुअरों के आतंक से बहुत परेशान है। हमारे जितने भी बच्चे कुची जो खेती होती थी, आज वो पूरी तरह से चौपट हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। और आज प्रदेश महामंत्री श्री बालकृष्ण जी ने आवाज़ उठाई है इस ग्रामीणों के किसानों की कि हमें जल्दी से जल्दी इन सुअरों और बंदरों से निजात दिलाया जाए। और हमारी जो खेती बाड़ी नष्ट हुई है, समय पर बारिश न होने के कारण हमारी पैदावार भी कम हुई है, तो हमें जो है उचित मुआवजा दिया जाए। और इस कोरोना काल में जो लॉकडाउन चला है और जो हम लोग किसान मजदूरों सब घरों में हैं, तो कम से कम प्रतिमाह 15,000 रुपये जो है आर्थिक सहायता हम किसानों को और किसान भाई परिवारों को दिया जाए, जिससे कि हम लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी और हमारा हम लोगों का गुजर बसर भली बात हो पाएगा और उत्तराखंड के किसान जो है सुख समृद्धि से जीवन यापन करेंगे। CCN न्यूज़ के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।